ये स्टूडेंट्स हमने डिस्कशन में अब तक ये डिसाइड किया कि हमने क्या क्या प्रोडक्ट बनाने हैं और टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए इनोवेशन को यूज़ करते हुए अपनी मैनेजरियल स्किल्स को यूज़ करते हुए नो वी आर एबल टू प्रोड्यूस ए प्रोडक्ट नो इज़ द नेक्स्ट स्टेप एंड दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ एंटरिंग इन द मार्केट तो वी हैव ए प्रोडक्ट नाओ वी आर कॉन्फिडेंट दिस प्रोडक्ट विल सर्व द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स बट we are still uh, one step behind and that step is communication with the customer and which is the marketing communication and marketing communication now we have to uh, take these consideration and these decision pehli uh, the baat to ye hai ki humne decide karna hai communicate karna hai ya advertising karna hai karna promotional technique use karna hai ki nahi देर आर सरकम सरकम सर्टन सरकम स्टांसेज जहाँ पर हमारे कस्टमर को ऑलरेडी पता होता है कि वट वी आर मेकिंग हम बना क्या रहे हैं समाइम वी आर मेकिंग ए पर्टिकुलर पार्ट फॉर ए पर्टिकुलर कस्टमर जैसे आप कार uh, का बंपर बना रहे हैं फॉर सुजुकी सुजुकी मोटर कंपनी तो आप सुजुकी कार के लिए पार्ट बनाते हैं कार वालों को ऑलरेडी पता है दिस वट यू आर मेकिंग इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन यू डोंट रली हैव टू डू एनी advertisements or any other promotional technique you don't have to use anything any of uh, all of these techniques uh, for the promotion lekin there are certain certain circumstances jahan pe hamare paas ek technology maujood hai aur uh, humne isko ultimate customer tak pahunchana hai humne customer tak communication communication karna hai aur iske liye humne advertisements uh, advertisement भी करनी है इसके लिए हमने प्रमोशंस भी करनी है पब्लिसिटी भी करनी है पब्लिक रिलेशन भी करनी है तो वी विल यूज़ और दिल दिस थिंग मोस्ट ऑफ द टाइम में जब हम कंज्यूमर आइटम बनवा रहे बना रहे या बेच रहे होते हैं जैसे हमने कैमरा और सेल फोन अगर बनाए हैं तो ये वो प्रोडक्ट हैं जिसके लिए प्रोमोशन होगी और अगर मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल आइटम में हम प्रोमोशन नहीं करते या एक डिफरेंट तरीके से करते हैं विल विल डिस्कस दटर स्टेज अब जब हमने ये फैसला करना है कि हमने एडवर्टीजमेंट यूज़ करना है जब हम एडवर्टीज़मेंट की बात कर रहे होते हैं तो दैट मीन वी आर यूजिंग मास मीडिया और उसमें वी कैन यूज़ टेलीविज़न वी कैन यूज रेडियो वी कैन यूज़ साइंस इसके लिए हमारे पास कौन कौन सी कंसल्टेसन है जो हमने सोचना है बिफोर वी गो फॉर द प्रमोशन पहली बात यह है कि हमारा मैसेज क्या होगा हमने क्या प्रमोट करना है क्या हमने प्रोडक्ट के फीचर प्रमोट करना है प्रोडक्ट की प्राइस प्रमोट करना है प्रोडक्ट की uh, जो इनोवेटिव एंगल्स हैं डायमेंशंस हैं वो प्रमोट करना है हमने पहले तो ये डिसाइड करना है कि कौन सा एंगल अपनी प्रोडक्ट का हमने हाईलाइट करना है इन द इन द इन द एडवर्टीज़मेंट्स और उसके अकॉर्डिंगली हमारा मैसेज डिज़ाइन होगा सो इनिशियली मोस्ट ऑफ टाइम जब हमारे नई टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं तो इनिशियली हम लॉन्ग कापी ऐड बनाते हैं लॉन्ग कापी एड इज़ द एन एडवर्टीजमेंट वेयर वी हैव लॉन्गर इन्फॉर्मेशन क्यों क्योंकि हमारा जो अगर हम वापस आपको लेके जाएं वहाँ पर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में और कैटेगरी uh, uh, में तो इनिशियल स्टेज़ के ऊपर हमारा बायर वो है जिसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो उनको पूरा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हमने देना है और वो क्या है कि प्रोडक्ट क्या है प्रोडक्ट के फीचर क्या है प्रोडक्ट के यूजर्स क्या है प्रोडक्ट के बेनिफिट क्या है सपोर्ट सर्विसेज़ क्या है ये सारी इन्फॉर्मेशन चूँकि हमने देना है लिहाजा हमारी जो इनिशियल एड्स बनेंगी वो लॉन्ग कापी एड होंगी और उसके बाद फिर हमें शॉर्ट कापी एड ओनली मे बी योर ब्रांड नेम और योर ट्रेडमार्क दैट इज़ क्वाइट सफिशेंट एट लेटेस्ट स्टेज हमें उसके लिए बहुत शॉर्टर एड बनाना पड़ती हैं पहली तो पहला पहली कंसिड्रेशन क्या हो गई है कि हमारा मैसेज क्या होगा मैसेज में कौन से एंगल हमने हाईलाइट करने हैं मैसेज की लेंथ uh, या ड्यूरेशन इन 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 फॉर्म ऑफ रेडियो एंड टेलीविजन ड्यूरेशन कितनी होगी कंटेंट क्या होगा लेंथ क्या होगी uh, ये डिसीजन हमने जब कर लिया तो अब हमने ये भी डिसीजन करना है कि हमने कौन सा मीडियम चूज करना है इज टेलीविजन द बेस्ट बेस्ट मीडियम फॉर आवर मार्केटिंग कम्युनिकेशन और न्यूज़पेपर में ऐड देना चाहिए या मैगजीन uh, में ऐड देना चाहिए ये चीज़ें आप अपने मार्केटिंग के कोर्स में भी सीख रहे होंगे uh, uh, वहाँ पे भी आपने ये डिस्कस किया कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसे करना है तो इन दोनों सब्जेक्ट का जो ये कंपना है यहाँ पर आकर ब्लैंड आ गया कि वी हैव क्रिएटेड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स उसको आप मार्केट करना है मार्केट करने के लिए कम्युनिकेशन करना है कम्युनिकेशन के लिए कौन सा हमारे पास चैनल होगा आमतौर पर जो हाई टेक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं टेक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जैसे कोई स्विच गेयर्स हैं किसी मशीन uh, के उसको आपने बनाया हुआ है तो इसके लिए मैस uh, मीडिया हम यूज़ नहीं करते न्यूज़पेपर या टेलीविजन या रेडियो इज़ नॉट द राइट मीडियम फॉर दिस दिस प्रोडक्ट हम इसके लिए क्या क्या करेंगे मे बी ए मैगज़ीन विच इज़ ए टेक्निकल मैगजीन जो कि इंजीनियरिंग uh, से प्रोडक्ट से रिलेटेड होगा और इंजीनियर्स uh, उसको पढ़ते हैं और वहाँ पर प्रोडक्ट के जो टेक्निकल फीचर्स हैं वो हाईलाइट किए जाएँ एंड दैट्स वट वी हैव टू कंसिडर के कौन सा मीडियम हमारे प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा यूजफुल होगा उसके बाद हमने कंसिडर करना है क्या कास्ट द कास्ट फॉर टेलीविज़न टाइम कास्ट फॉर रेडियो टाइम दास फॉर न्यूज़ पेपर स्पेस तो स्पेस की कास्ट है टाइम की कास्ट है वो कितनी कास्ट हम अफोर्ड करते हैं कितना हमारा बजट है किस तरीके से हमने कास्ट को एलोकेशन करना है ये सारा डिसीजन हमने किए हुए हैं तो हमारा मैसेज क्या होगा हमारा चैनल कौन सा हम यूज़ कर, करते हैं कम्यनिकेशन के लिए और हमने हमारी कास्ट हमने किस तरह इसको ए, ए, ले चलना है अब आजकल एक और बड़ी कंसल्टेसन शुरू होगी और वो क्या है कि लोग एंटरटेनमेंट भी चाहते हैं प्रमोशन के साथ साथ ये जो इन्फोटेनमेंट का जो कॉन्सेप्ट हुआ इंफॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट इसमें हमें भी ये देखना है कि जब हमारी वो आइटम स्पेशली जो कि कंज्यूमर आइटम है उसके साथ इंफॉर्मेशन का और एंटरटेनमेंट का जो डायरेक्शन है वो भी हो अब ये सारी बातें हम कर रहे हैं कंटेंट की कि कंटेंट क्या होगा किस तरीके से प्लेस होगा क्या क्या कौन कौन सी पिक्चर होगी कौन सा मॉडल होगा या होगी ये सारे डिसीजन आपने करने हैं यू बीइंग द मार्केटिंग एक्सपर्ट ऑफ इंडस्ट्रियल और टेक्निकल प्रोडक्ट्स तो इंडस्ट्रियल और टेक्निकल प्रोडक्ट हमने प्रोड्यूस कर दिए आप इसको मार्केट करना है मार्केट के लिए हमने कहा कि मार्केटिंग कम्युनिकेशन इस वक्त हमारा इशू uh, है और कम्युनिकेशन के लिए हमने पहले डिसाइड करना है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है प्रमोशन का क्या हमने लॉन्ग कॉपी एड दे के लंबी डिटेल बतानी है अपने प्रोडक्ट के बारे में फीचर के बारे में उसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में या yeah, हमने शॉर्ट कॉपी एड देनी जहाँ पे एक पिक्चर या एक ब्रांड नेम या एक ब्रांड मार्क हमने दे देना है दैट सफिशेंट सो उसके बाद हमने कहा कि चैनल की सिलेक्शन सिलेक्शन ऑफ प्रोमोशनल चैनल कौन सा होगा टेलीविजन रेडियो uh, कौन सा मीडियम आपने यूज करना है दैटर कंसल्टेशन उसके बाद हमने कास्ट इज इन अदर कंसल्टेसन उसके बाद प्लेसमेंट ऑफ़ द कॉन्टेंट इन अदर कंसल्ट्रेशन के कहाँ पे पिक्चर आएगी कहाँ पे डिटेल ऑफ़ द प्रोडक्ट आएगी कहाँ पे ब्रांड मार्क आएगा ये प्लेसमेंट ऑफ़ द कॉन्टेंट नॉर्मली एडवर्टाइजिंग कंपनीज हमें ये सर्विस प्रोवाइड करती हैं दे हैव एक्सपर्ट ऑफ डूइंग ऑल दीज थिंग्स लेकिन वो भी हमारे साथ कंसल्ट करने के बाद uh, ये सारे डिसीजन करती हैं सो वी स्टिल हैव टू प्ले एन ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल in this uh, whole process so we have discussed about uh, advertisement decision in uh, industrial products that was our topic for today